तो मैं आज स्पेशली हेल्थ सिस्टम में बात करूंगा। हेल्थ सिस्टम को देखें कि अभी तक हम बिल्कुल बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं। अब ये कहें कि सारा जो फितरत जो हुबेवतन है, जो मुल्क कौम की मोहब्बत है, ये डॉक्टर्स में ही सारी भरी होगी। डॉक्टर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो भी इसी सोसाइटी से निकले हुए हैं, तो वो कोई ऊपर से निकल के नहीं आते हैं। ठीक है, जज्बाती तौर पर आप ऐसे भी कह देते हैं हम मुल्क की खिदमत, कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन उनकी अपनी जरूरियात जो है इंसान के तौर पर वो सारी वही होती है जो बाकी सब इंसानों की है। तो इसलिए डॉक्टरों की इज्जत नफ्स जो है, उनकी तालीम का, उनके कम से कम प्रोफेशन का लिहाज किया जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवर्नमेंट लेवल पे बहाल किया जाए। ये हमारे टीवी एंकर जो है, ये बैठ के जो लापा करते हैं पकड़ के सत्यानाश कर देते हैं किसी प्रोफेशनल बंदे का, किसी एक की गलती होती उठा के सभी प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। तो ये चीजें, अब जैसे ये रहिंग्या था में कल वाकया हुआ वहां पर डॉक्टर का, अब देखिए इतना बड़ा वाकया कि एक बच्ची, नौजवान बच्ची डॉक्टर जिसकी शादी नहीं हुई, ठीक है ना, उस पर एक स्वीपर ने हमला कर दिया। साइड पे वो काम कर रही है, मरीज को देख रही है, वहां स्वीपर ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हिमिलेशन देखिए आप कितनी हो गई, उसकी दिमाग और दिल पे और उसकी बॉडी पे अफेक्ट्स साइकोलॉजिकली फिजिकली कितने असरात होंगे। फिर आप कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे देख लेंगे हम इंटरोगेट कर रहे हैं। इट्स नॉट ए इंटरोगेशन, इट्स कंपनसेशन। आप क्या उसको साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहे हैं, फिजिकल हेल्प दे रहे हैं, क्या आपने उसको इंकरेज किया, क्या किसी हेल्थ मिनिस्टर का, किसी ऐसे अफेक्टिव बंदे का उसके पास गए जाके बात की कि क्या हुआ है, ताकि उसको पता हो कि मेरी एक अहमियत है सोसाइटी में। तो ये चीजें नहीं करेंगे तो आप हेल्थ सिस्टम को सही नहीं कर सकते।